तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, आपको दिया था आप लोगों करने के लिए, लेकिन अवध बिहारी जी ने इसमें गलत करके भेजा और कुछ लोगों ने भेजा ही नहीं, और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाएगी, तो आप यूट्यूब से भी मेरी इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सर परमिशन दे देते रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग अलाउ कर देते। ठीक है, मैं आप लोगों को भी रिकॉर्डिंग अलाउ कर देता हूँ ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग कर सके, खुद भी रिकॉर्डिंग कर सके, लेकिन कुछ लोग मोबाइल फोन से ज्वाइन किए हुए हैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा है, आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, ये डेटा है, और मुझे इस डेटा को यहां से कॉपी करना है और यहां पेस्ट करना है। ये डेटा जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल आया हुआ है, जिस कारण से हम इसकी एनालिसिस पिवट के थ्रू नहीं कर पाते, समझ गए? क्योंकि डेट मतलब कि इसकी वीकली रिपोर्ट या मंथली रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट वगैरह नहीं निकाल पाते, क्योंकि पिवट वर्टिकल पे चलता है और जनरल जो हर फील्ड को अलग अलग फील्ड शो कर देता है इस कारण से। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि अगर हम मैनुअल करें तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, वापस इसको कॉपी करते हैं और फिर इसको पेस्ट करते हैं, सॉरी इसको नहीं, डेट को कॉपी करते हैं और फिर डेट को यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, फिर वापस डेटा को कॉपी करते हैं और फिर इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसी प्रोसीजर को हम हर डेट के लिए अपनाते हैं कि सेकेंड डेट के लिए हमने इसको पेस्ट किया, फिर हम इसको कॉपी करेंगे डेट को और डेट को पेस्ट करेंगे, और फिर डेटा कॉपी करूंगा और डेटा को पेस्ट करूंगा। तो मुझे इसी प्रोसीजर को बार एंड बार दोहराना पड़ता है, जिस कारण से दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि हमें टाइम काफी ज्यादा लगता है, कोई डेट दो बार पेस्ट हो जाता है, कोई छूट जाता है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो एक ही सीट पे है बट आपके पास अलग अलग सीट पे है, तो मैं इसको फुल्ली डायनेमिक नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सेमी डायनेमिक कर रहा हूँ, फुल्ली डायनेमिक आपको करना है। इसमें अवध बिहारी जी ने लिखा है लेकिन उनकी 20% सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं, इनको डेटा को, और प्लीज म्यूट कर ले ताकि शोर ना आए बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम, क्योंकि हमें हर बार जो है लूप लगाना है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा कॉपी जो है दूसरे नंबर से चल रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे करेंगे कि 4i = चले 2 2, अब कहाँ तक चले एंड देन नहीं पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेंज इन्वर्टर कॉमा में XFD1 डॉट एंड XLS XLS टू लेफ्ट डॉट कॉम नेक्स्ट आई। तो ये क्या करेगा, ये XFD1 मतलब कि यहां पे जाएगा XFD1, नहीं XFD1 है, XFD1 हाँ यहां पे आएगा, XFD1 ये है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा, फिर यहां से जो है कंट्रोल के साथ राइट एरो चलेगा और सबसे लास्ट वाले में आ जाएगा, और इसका कॉलम नंबर हमें लूप को दे देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें इसको तो कॉपी फिक्स है कि हर पेज में हर बार एक कॉपी होगा ही होगा, तो हम यहां लिखेंगे कि रेंज
A2 से, A2 से कहां तक चले, A7 तक। अब इसको डायनेमिक आप कर लीजिएगा, मैं बताया था आपको सेमी डायनेमिक कर रहा हूं, आप खुद कर लीजिएगा। कॉपी रेंज A65,000 डॉट एंड एक्सलेंस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेशल। ये क्या करेगा कि यहां पे आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, एक कर्सर आएगा और यहां पे पेस्ट कर देगा, मतलब इसको जो है इसको लिया उसने यहां पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने बोला कि रेंज सेम ए ए 65,000 डॉट एन एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट मैं डालूंगा 0 रो एंड 1 कॉलम डॉट सेलेक्ट, मतलब कि ए नीचे से ऊपर जाएगा, एक कर्सर आगे जाएगा, यहां पर कर्सर रुक गया। अब मैं लिखूंगा रेंज, यहां पे इन्वर्टर कॉमा की ए ये नहीं, ये नहीं, एक्टिव सेल, एक्टिव सेल जहां पे कर्सर है वहां से एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल और रो नंबर फिक्स है 1 और कॉलम नंबर आई डॉट वैल्यू। एक कोड क्या कर रहा है, एक कोड कर रहा है कि इसको उठा के एक्टिव सेल से ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देता है, क्योंकि रो हमारा फिक्स है 1 एंड कॉलम जैसे चल रहा है 2, तो 2 यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू, मतलब कि इसको उठा के यहाँ पे पूरी वैल्यू को डाल देगा। अब बच गई इसकी, इसको कॉपी पेस्ट करना, तो इसके लिए भी हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे कि रेंज सेल्स, सेल्स में हमारा 2 रो एंड आई कॉलन फिक्स है, से सेल्स हम बोलेंगे यहां पे 7 रो एंड आई कॉलन। अरे रो 7 हमारा फिक्स है, कल के डेट में चेंज हो सकता है, इसको डायनेमिक आप कर दीजिएगा। डॉट कॉपी कॉपी और पेस्ट करना है रेंज ए ए नहीं सी सी 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेशल और ये आपका हो गया। अब मैं इस मैक्रो को एक बार टेस्ट करता हूं कि क्या ये सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो मैक्रो में गया और कॉपी ए को हम यहां से रन करते हैं। या राइट, हम सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस कोड में क्या आपको परेशानी है। सर लास्ट की 3 लाइनें रिपीट कर देना। लास्ट की 3 लाइन ए देखिए, पहले बता देता हूं आपको, जैसे कि यहां पे और विकास जी आप तो समझ चुके थे ना, ये तो कर चुके थे आप, भी समझ में नहीं आया सर? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए पढ़ने पे।
फिर क्लास ज्वाइन करने से नहीं होगा कुछ। क्या है कि जब हम इसको पेस्ट कर दिए, पेस्ट करने के बाद एक थर्ड सेल क्या करता है, थर्ड सेल करता है कि नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से एक रो आगे आएगा, मतलब कि इस डेट कॉलम के इसके अकॉर्डिंग जो ब्लैंक जहां है वहां पे कर्सर आके रुक जाएगा। यहाँ पे a65000.and xlsup.offset 2.1.select वन जो ने डाला हुआ है कॉलम में डाला हुआ है, रो में नहीं डाला हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा बात आता है कि रेंज एक्टिव सेल, मतलब जहां पे कर्सर है इट कॉल एक्टिव सेल, एक्टिव सेल से ऊपर जाएगा और एक रो नीचे आएगा और इसकी वैल्यू को इक्वल कर देगा इसकी बी वन की वैल्यू से। कैसे करेगा, कोड देखिए कोड क्या है, कोड है एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस ऑफसेट 1.0। मतलब कि जब ऊपर सिलेक्ट करेगा तो उसका हेडिंग ही सिलेक्ट हो जा रहा था, तो उससे ऑफसेट क्या करेगा, उसको एक कर्सर एक से नीचे ला देगा। इसकी वैल्यू सेल्स, सेल्स में रो नंबर वन फिक्स है और आई है जैसे टू हुआ, तो दूसरे नंबर कॉलम की वैल्यू पूरे पे डाल देगा। उसके बाद सेम यहाँ पे टू से आई, मतलब कि दो रो नंबर आई से लेके और सेवन तक की कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद फिर वो इसमें आके पेस्ट। ठीक है, तो अवध बिहारी जी आपने जो बनाया था वो बिल्कुल गलत बनाया था आपने, समझ गए, और आपने इस पर रिसर्च नहीं किया, आपने बना के मुझे भेजा तो आपने चेक किया कि आपका रिजल्ट दे रहा है, आपका रिजल्ट दे रहा था बिहारी जी, बिल्कुल आपका रिजल्ट नहीं दे रहा है, कहाँ रिजल्ट दे रहा है, 56% पे डाल रहा है। तो आपने क्यों भेजा, जब आपने देखा कि आपका रिजल्ट वर्क नहीं कर रहा है और आपने 15-20 मिनट बाद मुझे मेल कर दिया, तो हाँ ये देखिए आपने मेल कर दिया था 10:19 पे, 15-20 मिनट, तो आपको कोई और एंगल, आपने 5 मिनट आपने इसको टाइम दिया और भी टाइम देते, कोई और एंगल से ट्राई करते आप इसको। देखिए जरूरी नहीं है कि वीवीए प्रोग्रामिंग करते समय आपको एक ही बार में पूरा प्रोग्राम लिखा जाए, हम क्या है एक प्रोग्राम डगड़ने बैठते तो प्रॉब्लम फंसती है, तो 2-2 घंटा 3 घंटा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है उसको सोल्यूशन, और कभी सोल्यूशन मिलता भी है कभी सोल्यूशन नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो आप 10-5 मिनट लगा के कोई एक प्रोग्राम लिख दें ऐसा नहीं है, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, एक एंगल से नहीं हुआ तो दूसरे एंगल से करें, तीसरे एंगल से करें, मैनुअल करें, फिर इसको प्लॉट करके देखें, फिर उसकी कोडिंग को चेंज करें, कई सारे तरीके अपनाएंगे फिर जाके आपका प्रोग्राम सही होगा। वो ये हड़बड़ी की चीज नहीं है, शॉर्टकट की चीज है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको टाइम चाहिए। ठीक है आवाज आ रही थी, 10-5 मिनट में एक प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। एक कोड में आपको भेज रहा हूं वापस, इसको ट्राई कीजिएगा और आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, और डेटा की थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज कीजिएगा, तो क्यों अभी क्या है ये डायनेमिक नहीं है, मान लीजिए कि आपका डेटा 10 तक हुआ तो, और ये तो डेट चलो सेम सीट पे था ताकि आपको इफेक्ट दिखे, ये आपका डिफरेंस सीट पे भी तो हो सकता है, तो आप ऐसा बनाइए कि आपका डिफरेंस सीट पे डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ डेटा जरूरी नहीं है कि 7 तक हो, वो आपका इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, सेम कॉलम भी
तो डेटा नीचे ऊपर आगे पीछे ज्यादा कम हो सकता है, तो आप इसको फुल्ली डायनेमिक करके मुझे दें। अब तो डायनेमिक हो जाना चाहिए, आप लोग साथ रिसर्च करेंगे तो डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी सर। बहुत बिहारी जी, बहुत बिहारी तो सर है नहीं सर। क्या अवध बिहारी जी तो सर है ही नहीं कोई? नहीं है, है एस सर से अवध बिहारी, अवध बिहारी जी का ही तो बैच है ये। अच्छा ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट सर, बाय, गुड नाइट।